हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे 8 GB मिनी वॉइस रिकॉर्डर के बारे में, कैसे यूज होती है, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक इसके साथ में आता है एक ये वॉइस रिकॉर्डर, और ये हमारा कार्ड है, ये प्रोडक्ट के साथ में आएगा। कैसे यूज करने हैं उसके लिए, और प्रोडक्ट का फ़ोटो और बिल का फ़ोटो व्हाट्सएप करना होता है। और इसके साथ में एक USB केबल आता है और एक एयरफोन, एक यूजर मैनुअल। हाँ, ये देख सकते हैं यूजर मैनुअल। वैसे मैं इसमें पिक्चर लगा दूंगा यूजर मैनुअल का। अब इसको रखते हैं साइड में। छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर है ये 8 GB का स्टिकर लगा हुआ है इसमें। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, और ये USB केबल लगने वाला है। ये इसके साथ में जो ये केबल आते हैं, ये देख सकते हैं, ये केबल इसमें लगेगी। और ये किसी भी चार्जर, मोबाइल के चार्जर में यहाँ से लगा के चार्ज कर सकते हैं। आधा घंटा में फुल चार्ज हो जाती है। चार्ज करने से पहले इस पर चार्ज में जैसे लगाएंगे, इसके यहाँ पे रेड लाइट जलेगी, यहाँ पे लाइट जलता है, और फुल चार्ज होने के बाद ये ब्लू लाइट स्टेबल हो जाएगी। ये वॉल्यूम बटन है, और ये वॉल्यूम अप करने के लिए है, इंक्रीज करने के लिए, और ये डिक्रीज करने के लिए, और इसी से नेक्स्ट और परवियस ऑडियो चलेगी। और ये इसके साथ में एक ये एयरफोन आता है, जो कि इसी इसी पोर्ट के अंदर लगा के इसका ऑडियो सुन सकते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं इसे। और ये केबल जब भी लगाएंगे तो इसको ना टाइटली लगाना होता है, नहीं तो ये चार्ज नहीं होगा और ये डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये कंप्यूटर में लगा के इसका ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं, या कॉपी करके दूसरी जगह रख सकते हैं बैकअप के लिए, और इसी से चार्ज भी होगा। चलिए अब रिकॉर्डिंग करके चेक करते हैं कैसे ऑडियो आ रही है इसकी। ये देखिए, मैं अभी ये ऑन ऑफ का बटन है, अभी ऑन करूँगा तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए लाइट जल रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जल रही है, ये 3 से 4 बार फ्लैश करता है और ऑफ हो जाता है। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हेलो 1 2 3, हेलो 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 हेलो, अभी इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हेलो, अब इसको ऑफ करेंगे तो रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगा। ये देखिए लाइट वापस चल गई और बंद हो गया। ऑडियो सेव होकर बंद हो गया वॉइस रिकॉर्डर। अभी देखिए, इसमें ये एयरफोन लगा के प्ले कर सकते हैं, ऑडियो कान में लगा के भी सुन सकते हैं, या फिर ये जैक लगा के USB केबल लगा के कंप्यूटर से सुन सकते हैं, या फिर मोबाइल में भी OTG लगा के सुन सकते हैं। और जब भी ऑडियो सुननी हो एयरफोन के थ्रू, तो पहले ये एयरफोन लगा लीजिए। एयरफोन लगाने के बाद ऑन कीजिए। अगर ये नहीं लगाएंगे, ऑन करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये लगा के ऑन करेंगे, एयरफोन लगा के ऑन करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग प्ले होगी। अभी देखिए,
मैक में लगा के सुनाता हूँ आपको, अगर आवाज़ जा रही हो तो ये सुन सकते हैं आप। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हेलो 1 2 3। हेलो 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 हेलो, अभी इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। प्लस को बटन, एयरफोन लगाने के बाद अगर इनकी वॉल्यूम इंक्रीज करनी हो तो प्लस वाली बटन को प्रेस करके रखिए थोड़ी देर, इसका ऑडियो इंक्रीज हो जाएगी। और माइनस वाली बटन को प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। और नेक्स्ट वाली ऑडियो प्ले करनी हो तो सिर्फ सिंगल प्रेस करनी है प्लस वाली बटन को। और प्रवेश वाले ऑडियो सुननी हो, बैक वाली पीछे वाली, तो ये माइनस वाली बटन को सिंगल प्रेस करनी है। तो जो इसके पीछे होगी वो वाली ऑडियो आएगी, और जो आगे करने के लिए प्लस वाली बटन को सिंगल प्रेस करनी है, और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्रेस करके रखनी होती है होल्ड करके। अब ये ऑडियो मैं आपको कंप्यूटर में लगा के सुनाता हूँ। ये देखिए, इसमें ये ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है। इसमें ये दो सिंपल फाइल देते हैं और जो उसका ऑडियो का, और इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग आएगी, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग फाइल में। और ये टाइम सेट करने के लिए है, ये टाइम अपडेट का वो यूजर मैनुअल दिया हुआ है। ये देखिए ऑडियो आया हुआ है। ये 3 से 4 बार प्लेस करता है और ऑफ हो जाता है। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हेलो 1 2 3। हेलो 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 हेलो, अभी इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। और इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। और टाइम सेट करने के लिए यहाँ से इस फाइल को ओपन करेंगे, जिप वाली फाइल को, टाइम सेट टूल को। और टाइम सेट टूल को ओपन करने के बाद ये वाली फाइल को खोलना है, सेट डिजिट रिकॉर्ड TMEX। ये डबल क्लिक करने पे ओपन होगी, और ये टाइम बॉक्स आएगी जो आपके कंप्यूटर में अभी करंट टाइम शो कर रहा होगा वही वाले सेव होगी। यहाँ पे सेट पे क्लिक कीजिए, सेट टाइम देख सकते हैं, सेट टाइम करेंगे, ये सेट हो गई टाइम। सक्सेस ऑन सेटिंग डिवाइस टाइम। अब जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी आपके डेट से होगी, जिस दिन भी रिकॉर्डिंग करेंगे उसी डेट पे होगी रिकॉर्डिंग। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार आपने टाइम सेट कर दिया है तो बार बार सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सेट कर दिया तो सेट हो गई वो। और आप अगर बाय चांस कभी का इसमें वॉइस रिकॉर्डर में प्रॉब्लम आती है तो आप ये वाली टाइम वाली ये जो है टाइम सेटिंग करने वाली फाइल, जिप फाइल, इसको कॉपी कर लीजिए, ये और ये वाली कॉपी करके कहीं सेव करके रख लीजिए। उसके बाद है ना, इसको फॉर्मेट करने के बाद ये दोबारा से ये दोनों फाइल इस वॉइस रिकॉर्डर में डाल के फिर टाइम सेट करना होता है। अगर वैसे नहीं डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता है, तो आपको अलग से डालना पड़ेगा, ये बैकअप लेकर रखना होगा टाइम सेट करने के लिए।